हाँ बेटा, माँ ये सब क्या है, क्या हो गया आप लोगों को? अरे बस बहुत हो गया बेटा, अब बर्दाश्त नहीं होता। माँ जहाँ इतना बर्दाश्त कर लिया वहाँ थोड़ा और बर्दाश्त कर लें। मैं और उमर आ तो रहे हैं ना आपके पास। तुम लोग क्यों आ रहे हो, और वो भी इतनी दूर प्रदेश से? माँ हम बाबा से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? तुम बात करोगे? उस शख्स ने आज तक किसी की नहीं सुनी, और वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? प्लीज माँ थोड़ी बात आप मेरी भी तो सुन लेना। अगर बाबा ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। आप प्लीज अभी थोड़ा वेट कर लें, ये सब ना करें इस तरह। जल्दी करो, फोन बाद में सुन लेना, बाहर गाड़ी आ गई है। खुद को तो वक्त की कदर नहीं है, कम से कम दूसरों का एहसास कर लो। सुन रहे हो ना, ये तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल इस घर को और इनके बच्चों को पालने में गुजार दिए, और अब ये मौसूफ कह रहे हैं कि मैं लोगों का वक्त बर्बाद कर रही हूँ। और क्या कर रही हो, ये फोन पर बातें करके वक्त ही तो बर्बाद कर रही हो ना। ये बातें आकर भी कर सकती हो, और कुछ नहीं तो कम से कम जिन लोगों ने हमें वक्त दे रखा है, खुदा के वास्ते उनके वक्त का ही कुछ ख्याल कर लो। ये जो चुगलियां कर रही हो ना फोन पे मेरी, ये बाद में भी आके हो सकती हैं। नदीम साहब, यहां मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसका एहसास नहीं है आपको? और लोगों के चंद मिनटों की परवाह है? बेटा मैं आके बात करती हूं तुमसे। मेरी बात कान खोल के सुन ले, मुझे आपकी चुगलियां करने का कोई शौक नहीं है। जो हकीकत है ना वही बयान कर रही हूं मैं। वही हकीकत बयान कर रही थी मैं, सब जानता हूं तुम्हारी हकीकतों को। और मेरी जिंदगी तो बर्बाद की सुखी, दुनिया में और पता नहीं कितने मासूम लोग हैं जिनकी जिंदगियां तुमने बर्बाद की हैं। बस हद हो गई। इस बेहिस और कठोर आदमी के लिए जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिए मैंने अपने। राशिदा, वो ड्राइवर बाहर गाड़ी लेकर आ गया। वो आपके बाप का मुलाजम नहीं है जो इंतजार करेगा आपका? चलो आओ, पहले ही बहुत देर कर दी आपने। आ रही हूं। इसका फोन आ गया इस वक्त। हेलो? नहीं बेटा, बिल्कुल भी इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता, किसी इमरजेंसी में मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। बाबा मेरी बात तो सुने। कह दिया ना आयशा कि नहीं बात कर सकता बेटा, कोई इमरजेंसी वापस आकर बात करूंगा। हाँ बंद करो फोन। हेलो, हेलो बाबा। मैडम अब बाहर तशरीफ ले आए खुदा के वास्ते। अभी यार मैंने सारे घर की लाइटें ऑफ करनी है, मैंने लॉक करना है घर, हद होती है। अच्छा मैं अभी लाइटें ऑफ करके जा रहा हूं, मेन डोर की बैक साइड वाले की कुंडी लगा के आ जाना। आप दोनों ने अच्छी तरह सोच समझ लिया है, अपने तौर पर सोच लिया है क्या? जी साहब, इस लम्हे उम्र के इस हिस्से में ऐसे फैसले बाजू का बड़ा नुकसान देते हैं। जी बेग साहब, बहुत ही सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब उम्र के इस हिस्से में मुझे सुकून चाहिए, ना कुछ चिख चिख ना कुछ झंझट, बस सुकून चाहिए मुझे। अब इनके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी, दैट्स ऑल। दूसरों का जीना हराम करके सुकून नहीं मिलता नदीम साहब। क्या क्या कहा तुमने, यानी कि मैंने जीना हराम किया तुम्हारा? वाह सुभान अल्लाह, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो अल्लाह की बंदी। जब तुम्हारे मुंह से एक ख्वाहिश निकलती थी तो हजार ख्वाहिशें लाकर मैं तुम्हारे कदमों में ढेर करता था। उस वक्त तो सब कुछ ठीक था, खाना पीना कपड़ा ओढ़ना बिछोड़ना सब कुछ, हर चीज आप तक जब पहुंचती थी उस वक्त तो मैं ठीक था। अब इन सब नेमतों से क्या महरूमी हो गई? खाना पका के दिया मैंने, आपके घर के बर्तन सफाइयां मैंने अपने हाथों से की। अय्याशी कैसे? और जब बुढ़ापे को पहुंची तो 2 महीने पहले कामबरी लगवा के दी इन्होंने, वो भी तब जब हड्डियां जवाब दे गई मेरी।
याशी, कैसी है याशी? वो जो कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन है ना, वो भी मैंने कमेटियां डाल के खरीदी थी। कमेटियां डालकर मैं खुद लेके आई थी। एक्सक्यूज मी, कमेटियों के पैसे आपके वालिद मोहतरम कब्र से अदा किया करते थे? बस बात आपकी और मेरी हो रही है। खबरदार जो मेरे वालिदैन की बात की तो। मुझे भी कोई शौक नहीं है गड़े मुर्दे उखाड़ने का। आप भी जरा तमीज के अंदर रहिएगा। देखें, देख लें वकील साहब, ये इज्जत दे रहे हैं मेरे मरहूम वालिदैन को। अब इस शख्स के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है? बताएं मुझे। अच्छा अच्छा, प्लीज आप ये बहस छोड़िए और ये बताइए कि क्या आप अपने बच्चों के एतमाद में ले चुके हैं? जी बेग साहब, हमने अपने बच्चों को एतमाद में लिया। कत्तन कोई ऐसी बात नहीं जो हम दोनों आपको कह रहे हैं, बस प्लीज आप उस पर अमल कीजिए। हेलो बाबा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आयशा क्या बोल रही है? आप दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं? हाँ बेटा, ये जो भी कह रही है ठीक कह रही है। इस उम्र में डाइवोर्स, लोग क्या कहेंगे? क्या कहना चाह रहे हो तुम? बाबा मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप इतना बड़ा फैसला ले कैसे सकते हैं। क्यों, हम क्यों नहीं ऐसा फैसला कर सकते? मेरा मतलब ये कहने का नहीं है बाबा, लेकिन आपके दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं, आप कम से कम हम दोनों से शेयर तो करते। क्या पता हम कोई हल निकाल लेते, कोई मसले को सुलझा लेते। बातें तो बेटा तुम इस तरह कर रहे हो जैसे अपने मसले मसाइल तुम बड़े हमारे साथ शेयर करते रहे। तो ठीक है बाबा, नहीं सुलझा सकता मैं, लेकिन कम से कम आप दोनों को हमारे साथ शेयर जरूर करना चाहिए था। हम अपने मसलों को खुद सुलझा सकते हैं, तुम अपने मसाइल जो हैं उनकी फिक्र करो, समझे बेटा? हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, जो जी में आएगा हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अब मैं एक मिनट भी शख्स के साथ नहीं रह सकती। कहाँ जाएंगी आप? इस उम्र में घर छोड़ के कहाँ रहेंगी आप? आप ही कम से कम पूछिए कि क्या तजलील की है मैंने मोहतरमा की। यानी कि अगर दिन में एक बार मुझे चाय की प्याली की तलब हो जाए, मैं चाय मांग लूं, तो घर में कयामत आ जाती है। माँ इतने साल भी तो गुजारा किया है ना, अब 3-4 महीने और सही। तब हिम्मत थी तुम लोगों की खातिर और तुम लोगों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर सब्र किया था मैंने। जी बेग, हेलो, ये आप दोनों क्या करने जा रहे हैं? अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, समझे तुम? अब मैं एक मिनट भी शख्स के साथ नहीं रह सकती। कहाँ जाएंगी आप? इस उम्र में घर छोड़ के कहाँ रहेंगी आप? देखो मैं ओल्ड एज होम में रह लूंगी, लेकिन इस शख्स के साथ नहीं रहूंगी। हर वक्त की तजलील बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मैं आपको अपने पास यहां ले आऊंगा। अम्मा मैं अब सारे मामले सेट कर लूंगा, आप मुझे थोड़ा वक्त तो दें। कितना वक्त? और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? 5 साल पहले तुम कह के गए थे और आज तक पलट के नहीं देखा तुमने। ओ अम्मा, अम्मा कैरियर बनाने में वक्त लगता है। तो ठीक है बेटा, तुम अपना कैरियर बनाओ और हमें छोड़ दो हमारे हाल पे। अच्छा छोड़िए इस बात को, आप मुझे ये बताइए आप इस वक्त हैं कहाँ? इस वक्त वकील साहब के ऑफिस में है। अच्छा, आप ऐसा करिए मेरी वकील साहब से बात करवाइए, फौरन बात करवाइए प्लीज अम्मा। वकील साहब, ये मेरे बेटे का बाहर से फोन है, जरा प्लीज इससे बात कर लीजिए। आपके हकीकी बेटे हैं? जी जी। चलिए शुक्र है कोई तो मीडिएटर दरमियान में आया। लेकिन सर हमारा फैसला अटल है,
अशरफ बेग साहब प्लीज जरा बात करने दीजिए। जी कीजिए। हेलो जी फरमाइए, अशरफ बेग बात कर रहा हूँ। वकील साहब प्लीज आप इस मामले को एक माह के लिए लटका दें किसी भी तरह। मैं जैसे ही पाकिस्तान आता हूँ मैं सारे मसले को टैकल कर लूंगा, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। लेकिन ये दोनों तैयार तो हों। कोई भी कानूनी मसला बीच में डाल के एक माह के लिए सिर्फ रोक लें और आपकी जो भी अजाफी फीस इस मामले में बनेगी वो मैं आपको पे करूंगा। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। जरूर जी। अशरफ बेग साहब क्या कह रहा था ये? देखिए करना आपने वही है जो हम कह रहे हैं। प्लीज वही होगा जो आप लोग चाहते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा और ना कुछ हो सकता है इन हालात में। शुक्रिया जी। मोहतरमा आप भी यही चाहती हैं? जी वकील साहब, अब इस उम्र में मैं इतनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। बात बात पर तजलील करते हैं मेरी और बात बात पे काटने को पड़ते हैं ये मुझे। वकील साहब जरा प्लीज पूछिए तो सही, आप ही कम से कम पूछिए कि क्या तजलील की है मैंने मोहतरमा की। यानी कि अगर दिन में एक बार मुझे चाय की प्याली की तलब हो जाए, मैं चाय मांग लूं तो घर में कयामत आ जाती है। चले अगर मैं खुद बनाने की कोशिश करूं तो ये भी गवारा नहीं है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? बहुत खूब जी वकील साहब, अब मेरी बात गौर से सुनिए। हर राह गुजरते को रोक कर मुझे चाय का ऑर्डर दे देते हैं। दिन में 14 मरतबा चाय बनती है और 14 मरतबा चाय बनेगी तो चाय की पतीली, चाय की पोनी, चाय का कप सब गंदा होगा कि नहीं? और अगर खुद बनाएंगे चाय तो चाय की पतीली जलते चूल्हे पर खाली छोड़ आएंगे। ये शादी आप दोनों की मर्जी से हुई थी? इधर देखिए बेग साहब, इधर मेरे हाथों की तरफ देखिए। अल्लाह ना करे कि शादी पसंद की होती, ये अरेंज मैरिज थी। मोहल्ले की सलमा पसंद थी नहीं? आज भी जब कभी वो हमारे मोहल्ले से गुजरती है तो मौसूफ अपने सीने पे हाथ रख के ठंडी आंखें भरती है। अस्तग्फार अस्तग्फार। बेग साहब सुन लिया, किस कदर शक्की मिजाज औरत है, इसके साथ एक पल भी गुजारा नहीं है। अच्छा बस कीजिए, मैं समझ गया, सारी बात मेरी समझ में आ गई। तलाक के अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कागजात तैयार करवा दूंगा आपके, कुछ नहीं लगेगा। बेग साहब फिर भी कितना वक्त लगेगा? थोड़ा वक्त लगेगा, 10-12 दिन तो लगेगा। तो ठीक है, बस आप कागजात मुकम्मल कीजिए, इसलिए कि मैं अब जिंदगी की इस चकचक से तंग आ चुका हूँ। यकीन कीजिए आप बेग साहब। बस चुप कर जाओ तुम। बस कर दो। बहुत शुक्रिया सर, जितनी जल्दी हो सके मेरा इस अजाब से आप ना पाला छुड़वा दें। बस देख ले, देख लूंगी तुम्हें। फल्लाह, माय गॉड, कैसे कैसे लोग इस उम्र में बुढ़ापे के इस हिस्से में, जब इनकी उम्रें कब्रों के डिजाइन देखने की है, ये तलाक देने चल निकले। तौबा। खुदा की बंदी, बंदा कम से कम किसी गैर मर्द के सामने बात करता हुआ थोड़ा सा कुछ ख्याल कर लेता। बड़ा चहक चहक के कह रही थी कि मेरा मियां कोई औरत को सड़क पर चलता देख ले तो ठंडी सांसें भरना शुरू कर देते हैं। हद हो गई तुम्हारे वाले। हाँ तो सच है, झूठ तो नहीं है ये। पिछली ईद पे याद है जब नफीस भाई के घर से लौट रहे थे हम और वो सलमा बेगम आपसे टकराई थी और आप तो बस वहां पे जम के रह गए थे, पत्थर के हो गए थे आप। मेरे खुदाया, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अल्लाह। चल भाई मियां नदीम, ये भी वैसे तेरा ही हौसला है कि तुमने 30 वर्ष इस शक्की मिजाज औरत के साथ गुजार लिए। तो मार दो मुझे, जहर दे दो, मैं बदमिजाज हूँ, पागल हूँ, शक्की हूँ, मार डालो मुझे। अभी मेरा इतना भी दिमाग खराब नहीं हुआ कि इस उम्र में तुम्हें मार के खुद जेल चला जाऊं। अगर मरने का इतना ही शौक है ना तो कुछ गोलियों का फक्का खा के मर जाओ, मेरी जान छोड़ दो कम से कम। मर जाऊंगी, खुद ही मर जाऊंगी, कुछ ना कुछ खा के जरूर मर जाऊंगी मैं। अगर यही हाल रहा तो आपको भी सुकून आ जाएगा और मेरी जान को भी सुकून आएगा। पागल औरत फोन बंद करो, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं एक बार तुम्हारा फोन ना उठाऊं तो बार बार फोन मत किया कर। दिमाग खराब कर दिया तुमने।
बंद करो इसे। सॉरी जनाब, औरत ज्यादा है ना, जरा मोटे दिमाग की है, हमेशा नहीं कभी कभी फोन करके दिमाग खराब कर देती है। हेलो। हाँ माँ, क्या कहा वकील ने? कागजात तैयार करवाने के वक्त लिया है। माँ अभी भी वक्त है, आप सोच लो, अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करो, वरना उमर बाबा को अपने पास और मैं आपको अपने पास बुला लूंगी। जब तक तुम लोगों ने बुलाना है ना, तब तक मैं अपनी जान ले चुकी होंगी। माँ इतने साल भी तो गुजारा किया है ना, अब 3-4 महीने और सही। तब हिम्मत थी तुम लोगों की खातिर और तुम लोगों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर सब्र किया था मैंने। माँ तो अब भी हमारे लिए बर्दाश्त कर लो ना माँ, प्लीज माँ। अब आए दिन बेइज्जत होने का हौसला नहीं है मुझ में, और कब तक तुम लोगों का इंतजार करूंगी मैं? अमेरिका से आना और अमेरिका का वीजा लगवाना इतना आसान नहीं है। माँ वो आप हम पे छोड़ दो, लेकिन कम से कम ये सोचें कि इस उम्र में तलाक लेके अपना और हमारा क्यों तमाशा बनवाना चाहती हैं लोगों के सामने। कुछ नहीं कहेगा कोई भी तुम लोगों को, और वैसे भी जिस मुल्क में रहते हो ना, वहां के हिसाब में ये गलत नहीं है। माँ मैं और उमर पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप 10-15 दिन और इंतजार कर लें प्लीज। ठीक है, इतना वक्त तो वकील ने भी लिया है। अच्छा माँ प्लीज मेरी बात सुने, जब तक हम आते हैं आप दोनों अलग अलग कमरे में रहें और बिल्कुल लड़ाई मत कीजिए। हाँ अलग कमरों में ही है, आदत डाल रहे हैं तन्हा रहने की और सुकून से रहने की। अच्छा माँ मैं फोन रख रही हूँ, अपना ख्याल रखें और कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। जी अल्लाह हाफिज़। भाई कुछ खाने को मिलेगा? हमारे किस्मत में अभी आसानियां कहां। नदीम मियां अब तो लगता है मुझे कि सब कुछ बनाना पकाना खुद ही सीखना पड़ेगा। चले लेट्स ट्राई। चल भाई किचन में। सकीना तू ये रोज रोज छुट्टियां क्यों कर लेती है? कल भी तूने छुट्टी कर ली, क्या वजह थी कल? कल फिर उसने मारा था बाजी, जोर जोर दुख रहा था मेरा, सारा दिन मुंह सिर लपेट के पड़ी रही। मुझे समझ नहीं आती कि तुम रोज रोज मार खाती हो, फिर एक ही दफा उससे जान क्यों नहीं छुड़वा लेती? ना बाजी ना, वो मेरे सिर का सही है और फिर शोहर की मार जमाने की मार से तो बेहतर है। जमाने की मार? क्या मतलब है तुम्हारा? बगैर सर के साइन के औरत की कोई इज्जत नहीं होती, हर बुरी नजर से देखते हैं। अच्छा जाओ तुम बस, अब मुझे और नहीं दबाओ और जाके मशीन लगा लो, कपड़ों का ढेर लगा लो, जाओ। राशदा दे कितनी देर हो गई है यार, एक कप चाय का तो अजीब मुसीबत है, बहुत ही खुदगर्ज औरत है। जी आपने बुलाया साहब जी? हाँ वो एक कप चाय का तो बनाकर ला दो। जी साहब जी अभी बाजी से पूछ के बना देती हूँ। बाजी से पूछकर? अरे भाई जब मैं कह रहा हूँ तो फिर बाजी से पूछने की क्या जरूरत है? साहब जी मालकिन की इजाजत के बगैर उनके किचन में जाना सही नहीं है, मैं उनसे पूछ के बना देती हूँ। मालकिन
हकीकत में इतनी इज्जत रास नहीं आई राशिदा बेगम को। जाओ बनाकर लाओ चाय। मालकन मालकन, इस मालकन को हकीकत में ज्यादा इज्जत रास ही नहीं आई। मालकन बीबी जी, सब चाय मांग रहे हैं। उनसे कहो अपने काम खुद करने की आदत डाल लें। क्यों, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, जा भी सकती हूँ। छोटी बीबी या छोटे साहब के अलावा कहाँ जा सकती हैं आप? अल्लाह खैर से ले जाए आपको। चाय बना दूँ मैं? हाँ जी। क्या हो गया? बेटे बैठो बेटो। ओ मेरा पाँव, क्या हो गया आपको? पाँव जल गया, पाँव जल गया। मैं पेस्ट लेके आती हूँ। मेरे खुदा, गरम पानी मेरे मुंह पर। बस बस कुछ नहीं होगा। क्या हुआ क्या आपको? जब पता है कि कोई काम ढंग से नहीं कर सकते तो क्यों करते हो? और ये कौन सा मौसम है पानी गर्म करने का? पैरों में बड़ी शदीद तकलीफ हो रही थी, गर्म पानी में डुबोना चाह रहा था। तुम मुझे कह देते ना, मैं कर देती। क्या ये सब कुछ तुम अब भी कर देती? हाँ कर देती, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कठोर खुद खर्च नहीं। खाना तो दूर की बात, चाय तो पूछी नहीं सुबह से, और फिर ऊपर से कहती हो कि मेरी तरह बेरहम और कठोर नहीं हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी तो नहीं कर सकता। मेरे बगैर कुछ नहीं बना सकते नहीं। तो आगे जिंदगी में क्या करेंगे? अब अगर दोबारा तुमने मेरे से लड़ाई की ना, तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगा। सचमुच अल्लाह ना करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। अब बताओ चाय बना के लाओ। हाथ छोड़ोगे तो बनाऊंगी ना। तो क्या सचमुच चाय पिलाने का इरादा है या ये हाथ छुड़वाने का बहाना? किसे इतला कर देता? कौन है इस घर में जिसे मेरा ख्याल है? इतला कर देते, है किसी को मेरी परवाह? सर मेरी मिसेज है। तो फोन उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी बात करनी हो उसने। बल्ले भी बल्ले, बड़ा मेरा ख्याल करिए। सारी जिंदगी तो मेरा ही ख्याल करती आई हो ना, अब जाना है सफर पे, खुदा का वास्ता मेरा दिमाग खराब मत करो। चले तशरीफ ले चले पहले। तो बेहिस हूं ना, मेरे दिमाग में तो कोई हिस्सा है नहीं, ना मेरे दिल में एहसास है, खुद ही तो कहा है। अब मैं ये इल्जाम भी साबित ना करूं।
देर कर दी है, सब खैरियत हो। इतनी देर घर से बाहर कभी भी नहीं रहे, क्या होता जा रहा है इनको? क्या टाइम हो गया होगा? अरे फोन करके देखती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे क्या जरूरत है फोन करने की, जो जी में आए करें। किसी की फिक्र ही नहीं है इनको, बस इनकी फिक्र किए जाओ। हद हो गई, फोन भी बंद किया हुआ है। अल्लाह खैर करे, गैर जिम्मेदारी की ना इंतहा हो गई है बस। आप कहां रह गए थे? आप कोई फिक्र है घर की? दोस्तों के पास था, कहां रहना है मैंने? बहुत खूब, कोई थोड़ी सी फिक्र कर लेते और इतलाई कर देते घर में। किसे इतला कर देता? कौन है इस घर में जिसे मेरा ख्याल है? इतला कर देते, है किसी को मेरी परवाह? नहीं, इस घर में ना आपकी परवाह किसी को नहीं है, ये ज़हन में रख लें आप। अच्छा देखें, याद रखिएगा सुबह हमने शादी पर जाना है, तैयार हो जाइएगा जरा। बहुत खूब, आपकी याददाश्त तो कमाल की है, याद है मुझे। इसको इतला करो, रवैया देखें आप इसका, रवैया क्या है? हाँ जी राजदा, तैयार हो? चलो चलें। मैं कहती हूँ जरा कॉफी शॉफी पी के चलते हैं। चलो कॉफी शॉफी पी के चलते हैं, 2 घंटे शहर की दूसरी नुक्कड़ पे है वो शादी हॉल जिसका उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। अरे बाबा 2 घंटों तो वहाँ जाने जाने में लग जाएंगे, वलीमा है, 2 बजे का टाइम है, तो 2 बजे का मतलब 2 बजे ही होते हैं। हो गई बात, मैं तैयार हूँ, मैं अपनी वजह से नहीं आप ही की वजह से कह रही थी, समझे आप? क्योंकि हर बारात पे या किसी खुशी के मौके पे जाते हुए ना आपको उलझने क्रिएट हो जाती हैं, आपका ख्याल कर रही थी मैं। बल्ले भी बल्ले, बड़ा मेरा ख्याल कर रही है सारी जिंदगी, तो मेरा ही ख्याल करती आई हो ना, अब जाना है सफर पे, खुदा का वास्ता मेरा दिमाग खराब मत करो, चलें तशरीफ ले चलें पहले। नसीम साहब आपसे बात करना ना वबाल को दावत देने वाली बात है। बहुत जल्दी इस वबाल से जान छूट जाएगी इंशाल्लाह, यकीन करना बहुत जल्दी, चलो मेरे साथ। आसानी से कह गए, सुनिए किसकी कॉल आ रही है बार बार, कौन है? सर मेरी मिसेज है। फोन उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी बात करनी हो उसने। हेलो, क्या, कब, कैसे हुआ? ओके ओके ओके, मैं आता हूं आता हूं, ठीक ठीक। क्या हुआ? सर जी मेरी बीवी का पांव सीढ़ियों से स्लिप हो गए और उसके दिमाग में चोट आई है, घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए। ओह, तुम यूं करो, यहीं गाड़ी रोको, हम टैक्सी से चले जाएंगे, तुम फौरन चले जाओ अपनी बीवी के पास। ओहो, कैसे यहाँ रोक ले, थोड़ा फासला रह गया है, हमें वहाँ उतार के उसे आने दो, फिर जहाँ जाना होगा चला जाएगा वो। क्या हो गया आपको, एहसास भी कोई चीज है, हद हो गई आप वाली, उसकी बीवी गिर गई है,
तुम्हारा पहुंचना बहुत जरूरी है, तुम यही गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ ना हम चले जाएंगे किसी तरह भी। अच्छा ये बताओ तुमने जाना किस तरफ है? मैडम यहाँ से बिल्कुल अपोजिट साइड पे जाना है। तुम रुको यहाँ गाड़ी, ये पकड़ो 5,000, तुम जाके अपनी बीवी को देखो, हम लोग चले जाएंगे, उतरिए नीचे। ओहो 1.5 किलोमीटर का तो फासला रह गया, हमें उतारा है फिर चला जाएगा, इतनी कौन सी कयामत आ गई? क्या हो गया आपको? उतरे नीचे, तुम जाओ बेटा। नहीं है एहसास मुझे, बेहिस हूं ना मैं, अब ये बात याद रखना, खुद ही आना घर, मैं जा रहा हूँ। रुकिए, आप मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ के जा रहे हैं? तो बेहिस हूं ना, मेरे दिमाग में तो कोई हिस है नहीं, ना मेरे दिल में एहसास है, खुद ही तो कहा है, अब मैं ये इल्जाम भी साबित ना करूं। आप ठीक नहीं कर, मैं वापस नहीं आऊंगी घर और चली जाऊंगी आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा एहसान होगा कि अगर तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। नंदी चली जाती है आपकी जिंदगी से। हद हो गई, न टीवी लॉन्ज में है ना अपने बेड में, और इधर भी नहीं है, चली गई है, अजीब परेशानी बन गई है। बेल जा रही है लेकिन कॉल अटेंड नहीं हो रही है, दोबारा ट्राई करता हूं। हेलो, ये मर्द राजदा के फोन पर किसी मर्द की आवाज। हेलो जी, जी मोहतरम, इस खातून का एक्सीडेंट हो गया और इंतकाल हो गया। क्या आप इनको शिनाख्त करते हैं? अगर शिनाख्त करते हैं तो इनकी डेड बॉडी शिनाख्त करके ले जाए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता राशदा। हेलो, अगर इस खातून से आपका कोई तल्लक है तो हम वर्षा की तलाश कर रहे हैं, प्लीज। ये तो मेरी बीवी है, मेरी बीवी का नंबर है ये जो फोन है इसके पर्स से मिला है, और ये खातून एक्सीडेंट में मारी गई है। राशदा मुझे छोड़ सचमुच चली गई, या अल्लाह। आप फौरी यहाँ तशरीफ लें मिस्टर, और इसको शनाख्त करें, और शनाख्त के बाद जरूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी को ले जाएं, डेड बॉडी की हालत बहुत खराब है। मेरा कुछ जरूरी सामान था यहाँ, वही लेने आई थी, जा रही हूँ। लेकिन नहीं राजदा, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। अरे मेरा बैग, ये यहाँ कैसे? ये तो चुरा लिया था किसी ने। ये तो मैं थाने से लेकर आ रहा हूँ। लेकिन ये तो कुछ चुरा के ले गया था। ओ अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा फोन भी इसी में था, इसी में है। तो
राजदा, अब कहाँ जा रही हो? आपकी जिंदगी से दूर जा रही हूं। रुक जाओ, अब नहीं जाने दूंगा राजदा। एक रात तेरे बिन गुजारी है तो यह एहसास हुआ है कि तुझ बिन जीना मुश्किल ही नहीं बल्कि बल्कि नामुमकिन है। अब मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ ना, रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। नदीम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं। राजदा, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। मानता हूं कि मुझसे जिंदगी में बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन इस बार वादा करता हूं कि दोबारा कभी गलती नहीं दोहराऊंगा। माफ कर दो। कैसी बातें कर रहे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा नदीम। और इस उम्र में तो हम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। कितनी जिंदगी गुजारती है हमने इसी तरह, लड़ते झगड़ते। बस आखिरी बार माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि अब जिंदगी में कभी भी तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज सर। ये आप कैसी बातें कर रहे हो नदीम? इतनी मायूसी की बातें तो आपने आज तक कभी नहीं की। क्या हो गया आपको? इस उम्र में हमें एक दूसरे की शदीद जरूरत है। और देखो राजदा, कितनी जिंदगी बाकी रह गई है। चंद साल, कुछ महीने या हफ्ते, कम से कम ये जिंदगी तो मिलकर जी ले। ऐसी बातें ना करें। मैं भी अपने दिल से आपसे माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि मैं तहे दिल से आपका ख्याल रखूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ यही प्यार है। ठीक कह रही हो, वाकई राजदा यही तो प्यार है। तेरा करूँ मैं जिक्र शाम सहर, तुझसे जुड़ा है दिल जाऊं किधर, धूप तुझे जो प्यार है।